ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज रेलवे चेयरमैन और सीईओ दोनों ही हैं, दैट इज सुनीत शर्मा ने आज 3 बजे एक इंटरेक्शन किया, क्वेश्चन पूछा गया कि आरआरबी एनटीपीसी और जो आरआरसी ग्रुप डी का स्टेटस क्या है, और जो एएलपी टेक्नीशियन थे उनका भी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं है। तो उस पर रिस्पॉन्स करते हुए एएलपी और टेक्नीशियन के लिए उन्होंने बोला कि ड्यू टू न लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो ड्यू टू मतलब पेंडेमिक के कारण अभी ये चीज़ें स्केड्यूल नहीं हो पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 1-2 महीने में इसको भी फिनिश कर दें, इसको भी हम प्रॉपरली, जिसको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला उसको हम दे दें, राइट। दूसरा जो आरआरबी एनटीपीसी को लेकर बोला, जो 7th फेज बचा हुआ है उसको लेकर बोला कि अभी हम पैनिक नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी हम स्केड्यूल जारी करने के मूड में नहीं है। मतलब कि यार यू नो व्हाट, इंडिया में अगर मान लो कि 1 लाख बच्चे जैसे एग्ज़ाम देने गए, उसमें से 2-3 गलती से कोविड हो गया या गलती से मर गया, बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ स्केड्यूल जारी नहीं हुआ है। अब यार जब तक 7th फेज नहीं होगा तो आरआरसी ग्रुप डी का तो तुम बात ही छोड़ो। तो आरआरसी ग्रुप डी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, अभी सबसे पहले तो 7th फेज होगा एंड उसके बाद ही आरआरसी ग्रुप डी होगा, राइट। तो अभी यार रेलवे अभी जून, अभी जुलाई, अगस्त तक, सेप्टेम्बर, आई डोंट नो, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब रेलवे मतलब पता ही है बहुत लीची भी है, और जिस तरह से सुनील शर्मा कह रहा था ही इज़ नॉट इन हरी, अभी ये जल्दी में कहीं से भी नहीं दिख रहा है, राइट। सो एक अभी लंबा टाइम तो हमें वेट करना पड़ेगा, इतना मैं बता दूँ, ये नहीं बोलूँगा झूठ मूठ का कि यार नहीं यार 1 महीने में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भले मतलब अभी जिस तरह से रेलवे बहुत फूंक फूंक के पैर रख रहा है, इससे तो यही नज़र आ रहा है कि इट इज़ गोइंग टू टेन टाइम एंड दैट फॉर श्योर दिस इज समथिंग व्हाट यू विल हैव टू डू, राइट। सो अभी मैं यही कह सकता हूँ कि यार थोड़ा सा रिलैक्स ही करो, और क्या कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, और जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसको लेके परेशान हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक चीज़ तुम्हारे हाथ में है जो मैं हमेशा कहता हूँ, कॉल करो, ट्वीट करो, मेल करो, आईटीआई डालो, प्रेशर बनाना ज़रूरी है। जब तक किसी भी इंसान पे या किसी भी कंपनी पे जब तक प्रेशर नहीं आता है ना, या वो चीज़ों को ऐसे ही लाइटली लेते, जब प्रेशर होता है, जब खुद पे भी काम देखते हो तो जब कोई प्रेशर डालता है तो तुम ज़्यादा एफिशिएंटली चीज़ों को करते हो, इंस्टेंट कि तुम्हें कोई बात छोड़ो या बाद में करते रहना ऐसा राइट। सो दिस इज़ द थिंग, अभी तो यही निष्कर्ष निकला है और उन्होंने क्लियरली बोला है कि अभी हम स्केड्यूल जारी नहीं कर रहे हैं लेकिन जल्दी जारी करेंगे। जल्दी ऐसा कुछ वो ये भी बोला कि अभी जैसे कि अभी पैंडमिक है, बहुत सारे स्टेट में लॉकडाउन अभी भी है, तो हम इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए ही स्केड्यूल जारी करेंगे। तो रेलवे फूक फूक के पैर रख रहा है, साफ ये चीज़ दिख रहा है। चलो यार यही था इस वीडियो में, और जो भी इंट्रैक्शन हुआ जो 3 बजे सुनील शर्मा ने किया था उसमें भी यही निष्कर्ष निकला, राइट। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट।